जहि नर नारी गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी रमा रमन पद बंदी बहोरी विनवहि अंजुलि अंचल जोरी राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवध रज धानी। इतनी घोर परिस्थिति में भी, संकट की स्थिति में भी अयोध्यावासी क्या कर रहे हैं? बोले बहुदेववाद की उपासना नहीं कर रहे हैं, जो हमारे सनातन धर्म में बहुश्रुत और विस्तृत जो हैं, जो सनातन धर्म द्वारा प्रमाणित हैं और सनातन धर्म के जो आधार हैं, पांच देवों की उपासना कर रहे हैं। वो किसकी उपासना कर रहे हैं? बोले गणप यानी भगवान गणेश की उपासना कर रहे हैं, गौरी दुर्गा जी के स्वरूप गौरी जी की उपासना कर रहे हैं, त्रिपुरारी भगवान शंकर की उपासना कर रहे हैं, और तमारी यानी भगवान सूर्य की उपासना कर रहे हैं। इन चारों देवों की उपासना करके पंचदेवों की भूत में क्या देख रहे हैं, पंचभूत पंचदेवों के मूल में क्या देख रहे हैं कि राजा राम जानकी रानी। वो चाह रहे हैं कि हमारे जो राजा राम है, जो राम जो सबके आधार हैं, उनकी प्राप्ति हो जाए, वो मिल जाए और वो शाश्वत रूप से हमारे राजा रहें, हम उनकी प्रजा रहें। इस अर्धाली इस चौपाई से गोस्वामी जी मानो हम सभी लोगों को संदेश दे रहे हैं कि सावधान होकर हम लोग अपने सनातन धर्म की परिपाटी का पालन करें, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो, लेकिन पंच देवों के को छोड़कर अन्य देवों की उपासना करना अपने ऊपर ही एक संकट को ले लेना है। चाहे घोर संकट में अयोध्यावासी रहे हों, लेकिन उनकी जो सनातन पराकाष्ठा है, सनातन परिपाटी है, वो केवल भगवान राम के परितः पंचदेवों की उपासना है। मूल में उनके राजा राम है, लेकिन उसके अगल बगल वही त्रिपुरारी हैं, तमारी हैं, गौरी हैं, गणप हैं। इसीलिए हम